तो यार आज का दिन बड़ा ही स्पेशल है क्योंकि इसी दिन मैंने पहला वीडियो डाला था इस चैनल पर जो कि है पोकेमॉन फायर एश का। एंड यह आज ही हमने 8K भी कंप्लीट कर लिए हैं। यह बॉय बहुत ही ऑसम चीज़ हो रही है हमारे साथ। एंड मैंने कल सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए ऐसा स्पेशल 6 जून पे, तो मैं बहुत ही सोच रहा था यार, गहरी सोच में पड़ गया था मैं। फिर मैंने सोचा कि जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था इस चैनल पर उसी गेम को मैं फिर से एक बार डालूंगा, यानी कि नेक्स्ट एपिसोड पोकेमॉन फायर एश का। इससे बेहतर और क्या हो सकता है यार। एंड अगर मैं कुछ अच्छा और भी कर पाया तो मैं आपके लिए ज़रूर से करूँगा। वेल आज आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। तो यार पोकेमॉन फायर एश खेलते हुए 2 साल बीत चुके हैं मुझको एंड अब तक ये गेम ख़त्म नहीं हुआ। एंड 2 साल तक मैं आपको उसकी सेव फाइल नहीं दे पा रहा था क्योंकि मैं PC में खेलता था एंड मुझको पता ही नहीं था यार कि सेव फाइल कैसे दूँ। पर कल ही मुझे एक गजब का बंदा मिला यार, जिसने मुझे बताया कि सेव फाइल कहाँ पर होती है, लैपटॉप या फिर PC में। एंड मुझे अब सेव फाइल मिल चुकी है। एंड या यही आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। अब मैं मेरी सेव फाइल आपसे शेयर करने वाला हूँ, तो आप डाउनलोड कर सकते हो यार, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मीडिया फायर की लिंक है, जाओ डाउनलोड कर लो। एंड एक और ब्रेकिंग न्यूज़, मैंने डिस्कॉर्ड डिलीट कर दिया था क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ हो रही थी, पर इस बार मैं फिर से एक बार डिस्कॉर्ड बना रहा हूँ एंड इस बार मैं बहुत अच्छे तरीके से बना रहा हूँ। एंड उसमें मेरा एक स्पेशल दोस्त भी मदद कर रहा है जिसका नाम है सुप्रो। आप उसका चैनल विजिट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो पे 1K लाइक्स करो एंड मैं हर एक गेम की लेजेंडरी हंटिंग करूंगा, यानी कि जितने भी गेम्स मैंने खेले हैं उन सब की लेजेंडरी हंटिंग। वैसे और भी छोटे छोटे गिफ्ट्स हैं पर वो मैं एपिसोड के आखिर में बताऊंगा यार, ज्यादा टाइम नहीं कहते हैं। चलो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो मैंने अपने सारे पोकेमोन को हिल कर लिया है। सो आगे सब लोग, सो हेड बोजिंगर्स, तो कैसे हैं आप लोग? तो आज फिर से एक बार खेलने वाले हैं पोकेमोन फायर एश एंड आज का एपिसोड बड़ा ही ऑसम होने वाला है, तो पूरा एपिसोड देखना यार, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम एक अनोखी पोकी गर्ल से मिलने वाले हैं या। एंड आज के इस एपिसोड में आखिर में आपको छोटी छोटी सी गिफ्ट्स भी मिलने वाले हैं, या वो गिफ्ट हो भी सकती है या फिर नहीं भी, पर आपको छोटी सी न्यूज़ तो मिल सकती है ना। तो चलो आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने बहुत सारे दोस्तों को हराया था या, बहुत ही अच्छा लगा मुझे हरा के उनको, मजाक कर रहा हूँ यार, उनके साथ बैटल करके बहुत अच्छा लगा, पुरानी यादें ताज़ा हो गई यार। एंड आज के इस एपिसोड में हम बचे हुए सारे फ्रेंड्स को हराने वाले हैं एंड फिर लेजेंडरी हंटिंग होगी। और भी बचा है गेम, मेरे साथ बैटल करना चाहते हो? तो चलो शुरू करते हैं। हुई 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 हुई, तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है मैंने ट्रेसी। तो या इसके पास है 3 पोकेमॉन, तो चलो उनको हराएं। बाहर आ जाओ चारिज़ार्ड, तीनों के तीनों पोकेमॉन की चट्टी मरा दो। तो चलो यूज़ करते हैं फ्लेम थ्रोर एंड एक ही अटैक में गया इसका पोकेमॉन। हमने हरा दिया है वेन और नैट को। तो सेकंड पोकेमॉन साइथर होगा मेरे हिसाब से। साइथर एंड चारिज़ार्ड की पुरानी दुश्मनी यार, याद आ गई मुझको, फिर बाद में वो फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। तो चलो जोश लाते हैं खुद के अंदर, फ्लेम थ्रोर लेट्स गो। क्या हम हरा सकते हैं इस साइथर को? या हम हरा सकते हैं, हमने हरा दिया है ट्रेसी के साइथर को। सो लास्ट पोकेमॉन मैरिल होगी। बाहर आ जाओ मैरिल। या बोई मैरिल, तो चलो चेंज कर लेते हैं अपने पोकेमॉन को। बाहर आ जाओ सेप्टाइल, चारिज़ार्ड ही क्यों बाहर रहे हैं। हाँ बाहर आ जाओ सेप्टाइल। अब यूज़ करते हैं इस पर लीफ ब्लेड, और क्या नहीं लीफ स्टॉर्म यूज़ करते हैं, वो भी मेगा इवॉल्व करके यार। ये रहा मेगा सेप्टाइल, इतना सुपर कूल दिखता है ना। एंड हमने यूज़ कर दिया है लीफ स्टॉर्म एंड 1, 2, 3 एंड हमने हरा दिया है मैरिल को, यानी कि हमने हरा दिया है ट्रेसी को। वाओ पोकेमॉन वॉचर ट्रेसी, तुम बहुत ही स्ट्रांग हो चुके हो एश। हाँ तुमने सही कहा, मैं और भी स्ट्रांग बन चुका हूँ। हाय एश, मैं यहाँ पर प्रोफेसर ओक के साथ काम करता हूँ। तो अब नेक्स्ट कौन होने वाला है? चलो गेस करो यार। चलो मैं एक हिंट दे देता हूँ। वेल वो एक रॉक टाइप पोकेमॉन एक्सपर्ट है एंड अब वो पोकेमॉन डॉक्टर बनने की राह पर चल चुका है। तो चलो उसके पास चलते हैं यार। मैं तुम्हें एक शानदार धासू और जबरदस्त मूव सिखा सकती हूँ जिसका नाम है आयरन डिफेंस। शायद से आयरन डिफेंस काम आ जाता ब्रॉक के सामने, पर स्टिल मुझे बिल्कुल भी नहीं सीखना उस अटैक को क्योंकि मुझे लगता है कि वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। वेल पोकेमॉन शोडाउन में तो वो बहुत ही ज्यादा काम आएगा। ये रहा हमारा प्यारा ब्रॉक एंड उसका असिस्टेंट। हाय हाय बाय बाय। ओके तो चलो बात करते हैं ब्रॉक के साथ। हाय ब्रॉक, कैसे हो? मस्त बॉडी शॉडी तो बना रहे हो ना? नर्स जॉय के साथ मिलना है तुमको आज, मालूम है ना ब्रॉक, या भूल गए?
हाय ऐश, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वेल, एक आदमी ने मेरा जीना हराम कर दिया है जिसकी वजह से मैं नर्चॉय के साथ मिल नहीं पा रहा हूँ। वेल, मैं उस आदमी का नाम तो नहीं ले सकता, क्या करे यार। वैसे मैं अभी भी डॉक्टर बनने की राह पर हूँ, क्या तुम पोकेमोन मास्टर बन गए? वेल, मुझे पता है कि वो आदमी कौन हो सकता है। वैसे मैं पोकेमोन मास्टर बनने की राह पर हूँ ब्रॉक, एंड अगर आपको भी पता है कि वो आदमी कौन है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। तो चलो यूज करते हैं वाटर शुरिकेन ऑन दिस बैड बॉय। निंजा, यूज करो वाटर शुरिकेन। ग्रेन निंजा। हाँ, मुझे पता है कि मैं मिमिक्री में बहुत ज्यादा बुरा हूँ, पर क्या करे यार, इस बार तो अच्छी निकाली ना मेरे आवाज ग्रेन निंजा की, है ना। तो चलो हरा देते हैं इसक्रो गंग को, एंड यह हमने दोनों पोकेमोन को हरा दिया है। थर्ड पोकेमोन है फोर्ट्रेस, तो इस पर हम यूज करेंगे हाइड्रो पंप। देखते हैं कि ग्रेनिंजा पूरी की पूरी टीम उड़ा सकता है या नहीं। ग्रेनिंजा, तुम ये कर सकते हो। ग्रेनिंजा, ओ ग्रेनिंजा तैयार है हराने के लिए सारे के सारे पोकेमोन, वो भी ब्रॉक के यार। तो चलो यूज करते हैं वाटर शुरिकेन। ओ बॉय, सिर्फ एक ही वाटर शुरिकेन में जियो डूड गायब। सो नेक्स्ट पोकेमोन है क्रोबैट, इस पर हम यूज करेंगे नाइट स्लैश, लेट्स गो। एंड ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, कोई बात नहीं, सोनिक बूम कर दिया है, कोई बात नहीं, फिर से एक बार नाइट स्लैश, एंड हमने हरा दिया है क्रोबैट को। ओ नेक्स्ट पोकेमोन है कम्फी, इस पोकेमोन को नर्स जॉय ने गिफ्ट किया था यार ब्रॉक को, मेरे हिसाब से, मुझे याद नहीं पर मुझे लगता है कि नर्स जॉय ने ही दिया था ब्रॉक को ये पोकेमोन, एंड हमने हरा दिया है ब्रॉक को। लगता है अब मैं नर्स जॉय के साथ कभी भी बात नहीं कर पाऊंगा उस आदमी की वजह से। ऐश, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज बता दो कि मैं नर्स जॉय के साथ बात करना चाहता हूँ, प्लीज ऐश उसको बता देना। वैसे ऐश, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे एक पोकेमोन को सहलाऊं? बोलो। हाँ ठीक है, तुम मेरे एक पोकेमोन को सहला सकते हो, पर इससे पहले कि तुम मेरे पोकेमोन को सहलाओ मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप सब से यार। तो ब्रॉक अब नर्स जॉय के साथ बात करना चाहता है, पर एक आदमी की वजह से वो बात नहीं कर पा रहा है। अगर आपको पता है कि वो आदमी कौन है तो आप उसको बता दीजिए, कुछ इस प्रकार से बताना #brockwantstotalkwithnursejoy। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया ऐश। बाय द वे, मैं तुम्हारी कौन से पोकेमोन को ग्रूम करूँ? हाँ जाओ पिकाचू। अब पिकाचू और भी बेहतर महसूस कर रहा होगा। थैंक यू ब्रॉक, आपको समझ गया है ना आपको क्या करना है, तो जाओ यार, जाओ वो चीज लिख दो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड के पास। वो एक वाटर टाइप मास्टर है, तो चलो उसके पास चलते हैं। वेल, वो कौन होने वाली है, क्या आपने गेस कर लिया है? तो जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में, या फिर लाइव चैट में, या फिर जो भी शुरू हो उसमें। तो चलो चलते हैं मिस्टी के पास। हा, ये रहा सेरुलियन। चलो चलते हैं मिस्टी के जिम में, ये रहा सेरुलियन सिटी, एंड बाजू में ही जिम है, जल्दी से चलते हैं एंड मिस्टी से मिलते हैं यार। तो आ जाओ सामने सेप्टाइल, क्योंकि तुम एक ग्रास टाइप पोकेमोन हो एंड मिस्टी के पास सारे के सारे वाटर टाइप पोकेमोन हैं। तो अब आसान होगा ना यार। ये रही मिस्टी, प्यारी प्यारी मिस्टी। ओ ऐश, तुम आ गए। हाँ मैं आ गया साइडक। हाय लड़की, मिस्टी कहाँ पर है? मिस्टी वहीं पर तो खड़ी है, तुम्हें दिख नहीं रही क्या? ओ मिस्टी, तुम इधर थी, मैं तुम्हें देख ही नहीं पाया। क्या मैं सच में तुम्हें दिखी नहीं? ओके, मैं तुम्हें अपने पोकेमोन के साथ सबक सिखाऊंगी। ये हुई ना बात, आ जाओ मैदान में। हो, अब मजा आएगा ना, मिस्टी वर्सेस ऐश, देखते हैं कि कौन जीतने वाले हैं, या मैं ही जीतूंगा। 6-on-6 बैटल है यार ये। सो फर्स्ट पोकेमोन है स्टारियू, लेट्स गो सेप्टाइल। यूज करते हैं इस पर और क्या, लीफ ब्लेड यूज करे क्या? ओके, लीफ ब्लेड ही यूज कर दिया था मैंने, एंड या एक ही अटैक में घायल स्टारियू। सेकेंड पोकेमोन कौन सा है? कैसरीन, इसको भी हम हराएंगे लीफ ब्लेड की मदद से। सेप्टाइल तुम ये कर सकते हो, सेप्टाइल। अच्छी आवाज निकल क्या मैंने, पता नहीं यार। तो ये तो मेगा इवॉल्व हो सकता है, तो मैंने यूज कर दिया है लीफ स्टॉर्म, एंड देखते हैं कि क्या हम एक ही अटैक में। ओ बोलने से पहले ही मिस्टी का गैरेडोस भी हार चुका है, वाओ। सो नेक्स्ट पोकेमोन है स्टारफिश, इसको हम हराएंगे लीफ ब्लेड की मदद से, या ये एक डबल स्टारफिश है एंड वो स्टारियो एक स्टारफिश था। एंड अजूरिल, ये वाला पोकेमोन ट्रेसी ने दिया था मिस्टी को। सो लास्ट पोकेमोन है हॉर्सी यार, इसे कैंटो में दिखाया गया था एंड तब से ये पोकेमोन गायब था यार, बहुत दिनों बाद दिखा है ना। हमने हरा दिया है मिस्टी को। तुम बहुत स्ट्रांग हो गए हो ऐश। अब नेक्स्ट कौन है? हाँ तुमसे मिलकर अच्छा लगा ऐश, फिर कभी मिलते हैं। ओके बाय मिस्टी। अब नेक्स्ट कौन है यार?
तो चलो चलते हैं। अरे यार करसोला साइड हटो। ओ चली गई सामने, तो हम इधर से जा सकते हैं यार। तो अब नेक्स्ट होने वाला है एक ऐसा ट्रेनर जो हमारा दोस्त भी है एंड राइवल भी है, एंड उसी की वजह से ऐश यानी कि हम कैंटो लीग हार गए थे। अब तक आप समझ गए हो ना कि वो कौन है, तो जल्दी से चलते हैं यार। वर्मिलियन सिटी में मैं आ रहा हूँ रिची। तो यार कल ही मैंने एक एपिसोड देखा था जिसमें डॉन ने एम्बी पॉम को एक आदमी को दे दिया था ताकि वो एक पिंग पोंग मास्टर बन सके, यानी कि एम्बी पॉम। ओह ये तो वही एम्बी पॉम लग रहा है। हाय एम्बी पॉम, क्या तुम मेरे एम्बी पॉम हो? एम्बी पॉम, हम एक साथ काम करते हैं ताकि हम पिंग पोंग मास्टर बन सके। ओह ये तो वही इंसान था यार। चलो चलते हैं सामने पर। यहाँ पर एक अजीब सा रास्ता है। इसका मतलब है कि क्या वो रास्ता पोकेमोन जर्नी से रिलेटेड था? देखते हैं। वाओ इधर से तो वो कनेक्ट नहीं है, मतलब कि वो नेक्स्ट अपडेट के लिए शायद से एक स्नीक पीक हो सकता है। चलो चलते हैं अपने दोस्त के पास जो कि हमारा इंतजार कर रहा है यहाँ पर। ये रहा वो। हाँ यश, बहुत दिनों बाद मिले, चलो एक बैटल हो जाए। तो यार मैं लिटरली बता रहा हूँ, रिची को ढूंढने के लिए मुझे बहुत 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 ज़्यादा समय लगा था, क्योंकि इसका ट्रेनर स्प्राइट भी ऐसा है, मतलब कि ट्रेनर स्प्राइट बिल्कुल रिची की तरह है ही नहीं, एक पिकनिकर की तरह है। एंड जब बैटल करते हो तो ये फीमेल बन जाता है, पता नहीं क्यों। तो फर्स्ट पोकेमोन है इससे 4 मिलियन, तो बाहर आ जाओ ग्रेनिंजा। ग्रेनिंजा फायर स्पिन कर दिया है उसने, कोई बात नहीं, यूज करते हैं इस पर। लेट्स गो वाटर शुरिकेन एंड 1 2, हमने हरा दिया है जिपो को। हैरान की बात यह है कि रिची का जिपो अभी भी चारिजार्ड नहीं बना यार। सो सेकंड पोकेमोन है स्पार्की, बाहर आ जाओ चारिजार्ड, पिछला बदला ले लो। पिछला बदला मतलब पिछली बार तुमने लड़ाई नहीं की थी पिकाचू के साथ। रिची का स्पार्की यानी पिकाचू बहुत ही अलग है यार, उसका डिजाइन कुछ बहुत ही ज्यादा अलग है। सो नेक्स्ट पोकेमोन है क्रूज, जिसको हम हराएंगे अपने पिकाचू की मदद से। बाहर आ जाओ पिकाचू, यूज करते हैं आयरन टेल। ओ थंडर बोल्ट कर दिया गलती से मैंने, कोई बात नहीं, इस बार हम यूज करेंगे आयरन टेल। एंड एक ही अटैक में गया क्रूज। हमने हरा दिया है क्रूज को भी, अगर ये टायरानीटर बन जाता ना बहुत ज्यादा मजा आता। तो चलो यूज करते हैं थंडर बोल्ट इस टेलो पर जिसका नाम है रोज। अरे यार बड़े अच्छे अच्छे निकनेम रखता है यार ये। तो लास्ट पोकेमोन है हमारा प्यारा ब्रिटिश फ्री जिसका नाम है हैप्पी। हैप्पी मतलब की खुशी। तो चलो हराते हैं इसको रॉक स्लाइड की मदद से। एंड हमने हरा दिया है हैप्पी को, हमने हरा दिया है रिची को यार। आहा ये बहुत मजेदार था है ना। हाँ तुमने सही कहा रिची, तुम्हारे साथ बैटल करके अच्छा लगा, ये बहुत अच्छी बैटल थी ऐश। अब नेक्स्ट ट्रेंड कौन होने वाली है? वेल वो होने वाली है एक बहुत ही अच्छी कोऑर्डिनेटर, एंड या वो बहुत ही अच्छी पोकेकल भी है। एंड वो है ऑलिवाइन सिटी में। तो सबसे पहले मैं पोकेमोन को हील कर लेता हूँ यार। नर्स जॉय हैशटैग ब्रॉक वांट्स टू टॉक विद यू। ओके मैं उसके साथ बात कर लूंगी, पर हैशटैग लगाने की क्या जरूरत है, मिलते हैं बाद में ऐश, बाय। सो कहा है यार अब डॉन? डॉन कहा हो तुम? डॉन अरे यार कहाँ पर है डॉन? हाँ मुझे लगा कि वो यहीं पर होगी। चलो उस तरफ देखते हैं। डॉन द वंडर गर्ल कहाँ गई यार? ओ ये रही प्यारी डॉन द वंडर गर्ल। हाय ऐश तुम भी चोटो में हो? वेल मैं जब से यहाँ पर आई हूँ तब से मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, चलो मैं तुम्हें दिखा दूँ। यार मेरे हिसाब से डॉन की टीम बहुत ही अच्छी है एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी। तो इसका फर्स्ट पोकेमोन होने वाला है पिपलब। बाहर आ जाओ सेप्टाइल। अच्छा होगा कि मैंने सेप्टाइल को फर्स्ट पोजीशन पे वापस रख दिया। तो चलो यूज करते हैं लीव ब्लेड। एंड या हमने हरा दिया है पिपलब को, प्यारे प्यारे पिपलब को। तो सेकंड पोकेमोन है मोमोस्वाइन, जो शायद से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है डॉन का। तो चलो यूज करते हैं इस पर लीव स्टॉर्म। ये एक रॉक एंड आइस टाइप पोकेमोन है ना, इसलिए ये हार गया। अगर आइस टाइप पोकेमोन होता ना तो सेप्टाइल को हरा देता, इतना ताकतवर है वो। तो थर्ड पोकेमोन है बनेरी। तो किसको बाहर भेजे? हाँ बाहर आ जाओ लाइक रॉक, मुझे पिकाचू को बाहर भेजना चाहिए था यार, आपको तो पता ही होगा पिकाचू एंड बनेरी का स्टोरी। बता देना कमेंट बॉक्स में अगर आपको पूरा स्टोरी मालूम हो तो। तो चलो यूज करते हैं काउंटर। काउंटर से कुछ भी नहीं हुआ, यूज करते हैं रॉक स्लाइड एंड हमने हरा दिया है बनेरी को। तो नेक्स्ट पोकेमोन है टोगेकिस, एक फेरी एंड फ्लाइंग टाइप पोकेमोन, और फेरी टाइप में से वन ऑफ द फेवरेट भी है मेरा। तो चलो यूज करते हैं रॉक स्लाइड एंड या हमने हरा दिया है टोगेकिस को, नाम भी बड़ा अच्छा है यार। सो नेक्स्ट पोकेमोन है पाचीरिज़ू। हाहा एक इलेक्ट्रिक टाइप स्क्विरल पोकेमोन, हमने हरा दिया है इसको। सो ओह कुलावा, हाँ यूज करते हैं स्टोन एज एंड हमने हरा दिया है कुलावा को। हाहा मेरे पास भी एक कुलावा है यार। बहुत अच्छे ऐश।
थैंक्स डॉन, तुम एक दिन जरूर से बहुत ही बेहतरीन कोऑर्डिनेटर बनोगी। मुझे लगता है कि तुम और स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, मैं भी बेहतर बन के दिखाऊंगी। अब हमारी नेक्स्ट फ्रेंड होने वाली है एक कोऑर्डिनेटर, यस, एंड उसका फ्रेंड एक बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेटर है, जिसका नाम है ड्रू। अब तक तो आपने पहचान लिया होगा कि वो कौन है, इसलिए जल्दी से बता दो चैट में यार। तो चलो अब चलते हैं गोल्डन रॉड शहर में, या वो हैन में नहीं है बल्कि गोल्डन रॉड शहर में है। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पर है? मैं तुम कहाँ पर हो? इस तरफ तो नहीं है, इस तरफ भी नहीं है। देखो यार, यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट वाला वो बिल्डिंग है ना? नहीं, ये तो गेम कॉर्नर था, मुझे लगा कि कॉन्टेस्ट वाली बिल्डिंग होगी। ये रही मैं। हाय ऐश, तुम यहाँ पे? मुझे लगा कि तुम सिन्नो में ट्रैवल कर रहे होंगे। ओह, तो तुमने वो ऑलरेडी फिनिश कर दिया। वाओ, मैं तुम्हारे पीछे रह गई। चलो मुझे तुम्हारे स्किल्स दिखाओ कि तुमने क्या सीखा है, ये मेरे लिए काम आएंगे। तो चलो देखते हैं कि क्या हमारा सेप्टाइल सारे के सारे पोकेमोन को हरा पाएगा, वो भी मैं के सारे के सारे पोकेमोन। हाँ, 6-on-6 बैटल है ये। फर्स्ट पोकेमोन है ब्लेजिकेन, बाहर आ जाओ। सेप्टाइल यूज करते हैं इस पर डुअल चॉप, लेट्स गो, वो भी मेगा इवॉल्व करके। हा, मुझे पता है सेप्टाइल तुम ये कर सकते हो, लेट्स गो। एक डुअल चॉप एंड ज्यादा डैमेज नहीं पहुंच रहा है। ओके, सेकंड डुअल चॉप एंड हमने हरा दिया है ब्लेजिकेन को। यार अच्छा हुआ कि ब्लेजिकेन ने अटैक नहीं किया। सो नेक्स्ट पोकेमोन है ग्लेशियन, ओ आइस शार्ड, हाँ यूज करते हैं लीफ स्टॉर्म एंड हमने हरा दिया है ग्लेशियन को। हाहा, सो थर्ड पोकेमोन है वाटर टर्टल, यूज करते हैं इस पर लीफ ब्लेड एंड हमने इसको भी हरा दिया है। सो फोर्थ पोकेमोन कौन सा है? फोर्थ पोकेमोन है ब्यूटीफ्लाई, तो चलो यूज करते हैं इस पर डुअल चॉप 1 एंड 2, हमने इसको भी हरा दिया है। सो नेक्स्ट पोकेमोन है मंचलैक्स, तो चलो इस पर यूज करते हैं हम लीफ ब्लेड एंड हमने इसको भी हरा दिया है। हाहा, एंड लास्ट पोकेमोन है विनसोर, इसका बल्बसोर विकसित होके विनसोर बन गया है। यूज करते हैं इस पर एक सीजर फिर से एक बार एंड हमने हरा दिया है विनसोर को, हमने हरा दिया है मे को। तुमने बहुत कुछ सीख लिया है। थैंक यू मैं ऐसे ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर कॉन्टेस्ट के बारे में और ज्यादा सीखने के लिए आई थी। फिर कभी मिलते हैं ऐश, बाय। तो चलो चलते हैं घर यार। हाहा, ये रहा मेरा प्यारा घर। अब हमें एक ऐसी पोकी गर्ल के साथ मिलना है जो कि हमारे लिए बहुत स्पेशल है। मॉम, मैं जा रहा हूँ उससे मिलने। ऐश, अब जा ही रहे हो तो मेरे लिए बहुत जरूर से लाना। कम ऑन मॉम, मैं बस 10 साल का हूँ, है ना पिकाचू? पिकाचू, मैं तैयार हूँ ऐश, जल्दी से आ जाओ। पर इससे पहले कि हम सरीना के पास जाए, चलो चलते हैं क्लेमोंट के पास। हाँ, क्योंकि क्लेमोंट के साथ हमने बैटल की ही नहीं थी यार, कैलोस रीजन आए थे पर। तो चलो जल्दी से चलते हैं क्लेमोंट के पास। तो हम रखेंगे अपने ग्रिंजा को सामने। ग्रिंजा, अब तुम्हारा वक्त है। तो चलो क्लेमोंट के पास चलते हैं, वो इसी जिम में होगा, है ना? एंड ये रहा वो चैलेंजर। हेलो, कैसे हो तुम? ओ, मैं तो ठीक हूँ, जल्दी से चलते हैं। उसने पहला बैच जीत लिया है यार, शायद से यही है क्लेमोंट। ओ ये रहा, हाय बॉनी। हाय यश, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। बिल्कुल सही वक्त पर आए ऐश, आई चैलेंज यू फॉर अ बैटल। तो यार अब क्लेमोंट के पास बहुत ही बेहतरीन पोकेमोन आ चुके हैं एंड उनमें से 2 पोकेमोन तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, जो कि है लग्जरी एंड हेलियोलिस्क। तो चलो बैटल करते हैं क्लेमोंट के साथ। फर्स्ट पोकेमोन है बनलबी, या 56 लेवल का पोकेमोन है यार। चलो यूज करते हैं वाटर शुरिकेन एंड देखते हैं कि क्या मैं मेरे ग्रेनजा के साथ ही सारे पोकेमोन हरा पाऊंगा। सेकंड पोकेमोन है हीलियोलिस, ओ तो इसने यूज कर दिया है पैराबोलिक चार्ज। चलो यूज करते हैं हाइड्रो पंप, ओ ड्राई स्किन एबिलिटी है यार, मतलब कि वाटर टाइप अटैक किसी काम के नहीं है यार। एंड हमारा ग्रेनजा फेंट, वाव, इसने हमारे ग्रेनजा की वाट लगा दी है। कोई बात नहीं, हम चूज करेंगे अपने नेक्स्ट पोकेमोन को जो है किसको चूज करें यार, बाहर आ जाओ चारिजर्ड। यूज करते हैं इस पर फ्लेम थ्रोर। आहा, हमने हरा दिया है हीलियोलिस को। अब नेक्स्ट पोकेमोन है लक्सरे, इस पर यूज करते हैं हम फ्लेम ब्लेड्स, लेट्स गो। आहा, एक ही अटैक में गया लक्सरे। क्या नहीं गया यार? वो क्लेमोंट तो बड़ा ही शक्तिशाली ट्रेनर है यार, इसने हमारे ग्रेनजा की वाट लगा दी है एंड अब चारिजर्ड की भी वाट लगा रहा था। कोई बात नहीं पिकाचू, बाहर आ जाओ आयरन टेल यूज करो। एंड हमने हरा दिया है डेडेनोई को भी। एंड नेक्स्ट है चेस्पिन, चलो इसको भी हराते हैं थंडरबोल्ट की मदद से। चलो देखते हैं कि नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा है। नेक्स्ट पोकेमोन है मैग्नेटॉन, इसको हम हराएंगे अपने आयरन टेल की मदद से। बस ज्यादा कुछ असर तो नहीं दिखा रहा है, थंडरबोल्ट बहुत ज्यादा असर दिखा रहा है यार। तो चलो फिर से एक बार थंडरबोल्ट एंड हमने हरा दिया है मैग्नेटॉन को भी, हमने हरा दिया है क्लेमोंट को। आहा, देखते हैं कि ये क्या बोलता है। ये बहुत ही अच्छी बैटल रही,
फिर कभी मिलेंगे ऐश। अब सिर्फ एक ही दोस्त बची है, एंड वो दोस्त कौन सी है आपने अब तक गेस भी कर लिया होगा। आप समझदार हो रहे हो है ना, तो चलो चलते हैं उसी के पास। पर उसके पास जाने से पहले हमें पहले घर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से हम टेलीपोर्ट हो सकते हैं। जल्दी से चलते हैं यार। सेरिना के पास जाने से पहले मॉम का आशीर्वाद ले लेते हैं। हाय मॉम, मैंने जो तुमसे स्टार्टिंग में कहा था वही करके आना ऐश, अब जाओ। मैं आ गया, ये रही हमारी प्यारी सेरिना। हाय सेरिना। वाओ, मौसम आज का बहुत ही सुहाना है, मौसम है सुहाना। आहा, ये रहा छोटा सा पीकाचू, एंड देखना आप जादू, मेरे पास दो दो पीकाचू हो जाएंगे। पीका बोल रहा है ये वाला पीकाचू भी, पर ये पीकाचू मेरे पीकाचू जैसा नहीं है। तो चलो अब चलते हैं एंड मिलते हैं सेरिना के साथ। सेरिना, मैं आ चुका हूँ तुम्हें लेने के लिए। ये रही हमारी प्यारी सेरिना। सेरिना, मैं आ चुका हूँ, बोलो क्या बोलना है तुमको। ओह हाय ऐश, होएन कितना सुंदर है ना, पर एक मेरे पास बैड न्यूज है जो कि मैं बैटल के बाद बताऊंगी तुमको। पता नहीं कौन सी बैड न्यूज होगी, कोई बात, बैटल शुरू करते हैं सेरिना के साथ। सेरिना के पास से 3 पोकेमोन एंड मेरे पास से 6 पोकेमोन। क्या मेरे ग्रेनिंजा को हरा पाएगी सेरिना? फर्स्ट पोकेमोन है ब्रेक्सिन एंड हमने हरा दिया है ब्रेक्सिन को। सेकंड पोकेमोन कौन सा होने वाला है? हाँ, सेकंड पोकेमोन है पैंचम एंड हमने पैंचम को भी हरा दिया है वाटर शुरिकेन की मदद से। आहा, एंड थर्ड पोकेमोन कौन सा होने वाला है? हाँ, ओह थर्ड पोकेमोन है सिल्वियन। चलो इसको हराते हैं वाटर शुरिकेन की मदद से, वो भी बॉन्ड इवॉल्व करके। 1 2 3 एंड ओके, डबल टीम कर दिया है उसने, कोई बात नहीं यूज करते। ओ क्या, अटैक मिस हो चुका है, कोई बात नहीं यूज करते हैं वाटर शुरिकेन फिर से एक बार। अटैक मिस, ये कैसे हो रहा है यार? पर कोई बात नहीं, हमने हरा दिया है सिल्वियन को, हमने हरा दिया है सेरिना को। बैटल बहुत ही अमेजिंग था वो ऐश। बात ऐसी है कि मैं अभी कोऑर्डिनेटर बनना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे होएन में रुकना पड़ रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ। नहीं, मैं अब कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय बाय। हाँ बाय बाय दोस्तों। आसमान में खुद से हुआ आया मैं, यहाँ तक ये नहीं कर पाएंगे, इनसे ना होगा ये, इसमें मेहनत है, इनको बैठे बिठाए सब कुछ चाहिए टेबल पे।